Hello everyone, welcome to my UPSC. UPHESC assistant professor advertisement number 51 की regular preparation कर रहे हैं. 17 test इसके already complete हो चुके हैं. Test हिंदी और English दोनों medium में करवाए जा रहे हैं. आपने अभी तक test series join नहीं की है तो test series join कर लीजिए. Test series का link नीचे available है description में. आपकी कोई क्वेरी है तो कॉन्टैक्ट नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं. जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है टाइमली, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपका सपोर्ट मिलता रहेगा. लेट्स बिगिन. मिशन करम योगी वाज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. मिशन करम योगी ये किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन में पूछा गया. ये जो मिशन करम योगी है ये एक नेशनल प्रोग्राम है फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग. नेशनल प्रोग्राम है किसके लिए, सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए. और ये लॉन्च हुआ है टू इफेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट. कौन सा शिफ्ट है इसमें, रूल बेस्ड ट्रेनिंग टू रोल बेस, ये ध्यान रखना आपको, रूल बेस्ड टू रोल बेस. इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा रिफॉर्म इन इंडियन ब्यूरोक्रेसी. जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए है ये, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, पीसीएस ऑफिसर्स. मिशन करम योगी मैच द आइटम इन लिस्ट फर्स्ट विथ द लिस्ट सेकेंड. लिस्ट वन लिस्ट सेकेंड को मैच करवाना है, करेक्ट कौन सा है वो देखना है आंसर क्वेश्चन में. महलवारी सेटलमेंट, महलवारी जो सेटलमेंट है इट बिलोंग्स टू हॉल्ट मैकेंजी. परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इट बिलोंग्स टू कॉर्नवालिस. रैयतवारी सेटलमेंट थॉमस मुनरो. एंड परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बनारस इट बिलोंग्स टू जोनाथन डंकन. इन सबका डिटेल में प्रीवियस टेस्ट में बता रखा है. महलवारी परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सेटलमेंट ये क्या होते हैं, कहाँ किस किस जगह पे किस ईयर में हुए हैं, ये इनका डिटेल में बता रखा है. आप ज़रूर प्रीवियस वीडियो देखिएगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जितने भी अभी तक टेस्ट हुए हैं उनका लिंक मिल जाएगा. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी. बॉल गार्ड फर्स्ट एंड बॉल गार्ड सेकेंड ये दो टेक्नोलॉजीज हैं, आर मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ. ये किसके बारे में है, ये जो टेक्नोलॉजी है किस बारे में है. ये जो एक्चुअली बॉल गार्ड फर्स्ट है इट इज बीटी कॉटन सिंगल जेन टेक्नोलॉजी. सिंगल जेन जेनेटिक टेक्नोलॉजी ये इंडिया की फर्स्ट बायोटेक क्रॉप टेक्नोलॉजी है. ये इंडिया की पहली बायोटेक क्रॉप टेक्नोलॉजी है जो कमर्शियलाइजेशन के लिए अप्रूव हुई थी 2002 में. और जो ये सेकंड है ये अप्रूव हुई थी 2006 में. और ये इनको अप्रूव कौन करता है, इनको अप्रूव करता है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी. ये एक इंडियन रेगुलेटरी बॉडी है, बायोटेक जो क्रॉप्स हैं उनके लिए ये अप्रूव करती है. अब एक क्वेश्चन क्यों पूछा गया है यहाँ पे, देखिए जो भी क्वेश्चन आएगा उसके पीछे कोई पर्पज़ ज़रूर होगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएगा. अभी ये कॉन्टेक्स्ट है 200 ईयर्स ऑफ द फादर ऑफ जेनेटिक्स ये कंप्लीट हुए हैं, इसलिए जेनेटिक जेन टेक्नोलॉजी इसका क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, मोस्ट प्रोबेबली चांसेज हैं. 200 साल पूरे हुए हैं किसके,
फादर ऑफ जेनेटिक्स, और हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, जॉन ग्रेगोर मेंडल, सभी जानते हैं जॉन मेंडल को, उसको उनको कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, या कहें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस भी कहा जाता है किसको, जॉन ग्रेगोर मेंडल को। इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजी, ये किसने की, मेंडल की थ्योरी के साथ साथ चार्ल्स डार्विन ने, ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर आएगा डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, दिबांग, लोहित, कामेंग, मानस, विच ऑफ द अबव आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। देखिए आने वाले टेस्ट में आपको गंगा, गोदावरी, यमुना, कृष्णा, ये जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं इनकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये सभी करवाए जाएंगे, और आप भी अपनी तरफ से इनको ज़रूर करिएगा। ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। जो भरत इसकी ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो है कामेंग रिवर, मनास रिवर, बेकी रिवर, राइडक रिवर, तिस्ता रिवर और सुबर्णसिरी रिवर, ये कुछ रिवर्स राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो दिमसा है, लोहित है, लोहित लेफ्ट बैंक है, और इसकी धनसिरी है, कोलोंग है, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा राइट बैंक कामेंग एंड मनास, थर्ड एंड फोर्थ ओनली, डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए यहां से भी आप देख सकते हैं मैप से, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसकी जो ये है, तो अब यहां से देखोगे सो ये जो रिवर्स है, मनास रिवर ये रहा, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। यहां से आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशंस 138 एंड 182 आर रिलेटेड टू, आईएलओ कन्वेंशन 138 और 182। आईएलओ के बारे में पहले भी क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं टेस्ट में, जो यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। जो आईएलओ 138 और 182 कन्वेंशन है, इनमें क्या है, देखिए जो 138 है इसमें दिया गया है मिनिमम एज फॉर एम्प्लॉयमेंट, मिनिमम एज फॉर एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, और जो कन्वेंशन 182 है इसमें क्या दिया गया है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। सो ये दोनों ही हैं चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। कंसिडर द फॉलोइंग, विच अमंग द अबव आर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इनमें से कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, आसाम में है, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बना है, 1985।
इसके बाद में आप देखोगे तो जो केवला देव है, केवला देव भी 1985 का है। जो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी 1985 का ही है। इसके साथ साथ जो सुंदरवन नेशनल पार्क है, सुंदरवन नेशनल पार्क 1987 का है। ये सभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। डी इसका करेक्ट आंसर है। इनके अलावा एक नंदा देवी और ध्यान में रखिएगा, द स्प्रिंट चैलेंजेस। स्प्रिंट चैलेंजेस वाज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये किससे रिलेटेड है ये चैलेंज है? जो ये चैलेंज है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को बूस्टअप करने के लिए, स्वदेशी चीज़ों का यूज ज़्यादा उसको बढ़ावा देने के से रिलेटेड है ये। इसका मेन ये जो इनिशिएटिव है, इट एम एट बूस्टिंग द यूजेज ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी इन द इंडियन नेवी। ये ध्यान रखिएगा, इंडियन नेवी का है। मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करना है ये कमीशन और जो ईयर है उनको। देखिए जो हंटर कमीशन है, हंटर कमीशन ये 1882 का है। वर्धा स्कीम ये 1937 की है। यूनिवर्सिटीज एक्ट ये 1904 एंड राधा कृष्णन कमीशन इज इन 1948, इट वॉज इन 1948। सो इसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर आएगा, आप इनको नोट कर लीजिएगा, या तो या फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको इसका पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, नोट्स वगैरह मिल जाएंगे आपके सिलेबस के। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम? देखिए जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या होता है? इट इज ए टाइप ऑफ डेटा स्टोरेज। ये डेटा स्टोरेज एंड इट इज यूज्ड इन कंप्यूटर्स दैट इज जनरली लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। एंड दिस टाइप इज मेमोरीज वॉलेटाइल एंड ऑल इन्फॉर्मेशन दैट वॉज स्टोर्ड इन रैम इज लॉस्ट वेन द कंप्यूटर इज वंस टर्न्ड ऑफ। सो द करेक्ट आंसर विल बी रैम इज नॉन वॉलेटाइल, एक्चुअली रैम इज वॉलेटाइल। सो ये तो नहीं होगा इसका आंसर। रैम इन ए कंप्यूटर कैन नॉट अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, ये सही नहीं है, वोलेटाइल है। रैम इज वोलेटाइल एंड रैम कंप्यूटर कैन अफेक्ट, ये डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ट्रू पूछा था, सही कौन सा है? अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन्स इन राइट सीक्वेंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ इनको अरेंज करना है। जो दोदा बेटा है इट इज इन तमिलनाडु, कहाँ पे? नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु। विंध्याचल, ये विंध्याचल जो रेंज है इट रन्स अक्रॉस ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल पोर्शन। धौलागिरी, धौलागिरी इट इज इन नेपाल। एंड कैलाश, माउंट कैलाश इट इज पीक इज स्टैंडिंग इन द रिमोट साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन इन द तिब्बत। सो साउथ से और नॉर्थ अरेंज करना है। सो ऑब्वियसली सबसे पहले आएगा तमिलनाडु, सबसे सदर्न में फर्स्ट वन।
देन सेकंड जो आएगा विंध्याचल, देन धौलागिरी एंड लास्ट माउंट कैलाश। देखिए आप जब भी ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो मैप जरूर रखिएगा आपके साथ में। अभी आपके एग्जाम में थोड़ा टाइम है तो कोशिश यही है कि आपको कहीं से कुछ भी क्वेश्चन बचे नहीं तो मैप जरूर लेके पढ़िएगा, मैप को साथ में रखिएगा जब भी आप ये क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप जब इनसे रिलेटेड कुछ पढ़ोगे तो थोड़ा क्लिक करेगा। नमसाई डिक्लेरेशन वाज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू, ये जो नमसाई डिक्लेरेशन है ये क्या है एक्चुअली, ये बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड है। ये बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड है। सो सेटिंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स, डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एक डिक्लेरेशन साइन हुआ है, नमसाई डिक्लेरेशन, और इसमें किस किस के बीच हुआ है ये पूछा जा सकता है आपसे। ये आसाम और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों स्टेट्स के बीच में ये डिक्लेरेशन हुआ है नमसाई में। नमसाई कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में है नमसाई। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द मिनिमम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर टू बी अचीव्ड बाय 2015, ये क्वेश्चन में पूछा है करेक्ट वन। सो ये सही है, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है इन पे सभी ने, जो यूनाइटेड नेशन में जो मेंबर कंट्रीज थे वो एग्री हुए थे, 191 यूएन के मेंबर कंट्रीज 2015 में, टू अचीव द यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बाय द ईयर 2015। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विल गाइड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम पॉलिसी अंटिल 2035। ये सही नहीं है, ये जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम पॉलिसी है ये 2030 तक है, 2035 नहीं है। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स केम इन टू इफेक्ट इन जनवरी 2016, ये सही है, ये जो एजेंडा 2030 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, जिसमें हम पहले भी आपको क्वेश्चन करवाए गए हैं SDGs, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसमें 169 टारगेट्स हैं इंक्लूड है इसमें, और ये 1 जनवरी 2016 से इफेक्ट में है। फर्स्ट और ए और सी इसका करेक्ट आंसर है, दिस वन। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। वर्ल्ड हेल्थ डे, जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये 7 अप्रैल को आता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये 11 जुलाई को, जनसंख्या विश्व जनसंख्या दिवस, जो विश्व ओजोन दिवस है ये 16 सितंबर को, और जो एड्स डे है ये एड्स डे ये 1 दिसंबर को, ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है एग्जाम में, एज इट इज नहीं, सिंगल में भी पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब है आता है, या वर्ल्ड और ओजोन डे या इस तरीके का, इसलिए आपको टेस्ट में रेगुलर जो भी इम्पोर्टेंट है वो एक क्वेश्चन करवाया जाता है इसका लगातार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट्स मिडिल अंडमान एंड नॉर्थ अंडमान आइलैंड, मिडिल और जो नॉर्थ अंडमान है आइलैंड, इनको सेपरेट कौन सा स्ट्रेट करता है, इट इज ऑस्टिन स्ट्रेट, ये सेपरेट करता है मिडिल अंडमान एंड नॉर्थ अंडमान आइलैंड को। ये मैप में जरूर देखिएगा एक कहाँ पे है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल क्रॉपिंग? पैरेलल क्रॉपिंग का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? देखिए, इसका जो एग्जाम्पल है पैरेलल क्रॉपिंग का, पैरेलल क्रॉपिंग क्या होती है कि सेम टाइम पे दो फसलें, टू क्रॉप्स इन ए सेम फील्ड. सो वीट एंड मस्टर्ड, गेहूं और सरसों इज द एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल क्रॉपिंग बिकॉज बोथ दीज क्रॉप्स आर राबी सीजन. राबी जनरली दे आर ग्रोन एज ए मिक्सड ऑफ 6:1. इसके बारे में पढ़िएगा पैरेलल क्रॉपिंग के, चर्चा में है ये. हु अपॉइंट्स द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरमैन हैं और जो इसके मेंबर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? जो इसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति इसका अपॉइंटमेंट करते हैं. और किसकी रिकमेंडेशन पे करते हैं अपॉइंटमेंट? प्रेसिडेंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 6-member committee. ये 6 members की कमेटी के रिकमेंडेशन पे करते हैं. और ये 6 members की कमेटी है, इसमें इसके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर. सो जो ये 6-member कमेटी है हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को कि ह्यूमन राइट्स, नेशनल ह्यूमन जो मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसके मेंबर कौन होंगे और चेयरमैन कौन होगा. विच अमंग द फॉलोइंग मैचेज ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड देयर प्लेसेज आर करेक्ट? ये मैच करना है. ब्रासवेयर, मुरादाबाद, ये सही है. सिल्क साड़ी, कांचीपुरम, कांचीपुरम की ये सिल्क साड़ी सही है. चिकन एम्ब्रॉयडरी, लखनऊ, करेक्ट वन. स्पोर्ट्स, जालंधर, ये चारों ही सही मैच कर रहे हैं. डी इसका करेक्ट आंसर आएगा. प्रोजेक्ट संकल्प स्टार्टेड विद द पर्पज ऑफ, प्रोजेक्ट संकल्प ये किस पर्पज के लिए स्टार्ट किया है? ये ध्यान में रखिएगा, संकल्प, प्रोजेक्ट संकल्प, इट इज एसोसिएटेड विद द टू एलिमिनेट HIV/AIDS. Which among the following international bodies have taken active interest in launching the Global Tiger Initiative to save tigers and conserve tiger habitats? ये अभी चर्चा में है. जो चीता है हम साउथ अफ्रीका साइड से ला रहे हैं यहाँ पे इंडिया में, ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो एक हैबिटेट में रहने वाले पर्टिकुलर जो हैं उनको दूसरी जगह ले जाया जा रहा है अननोन हैबिटेट में. तो ये ऐसा पहली बार है, इसके बारे में और आगे भी टेस्ट करवाएंगे. ये जो GTI है ये कब लॉन्च हुआ था? ये 2008 में लॉन्च हुआ था. और इसका ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली इट वॉज टू सेव वाइल्ड टाइगर्स एंड एक्सटिंक्शन. और इसमें जो कन्वेयर है, कन्वेयर इसमें जो GTI है इसमें कन्वेयर कौन होता है? वर्ल्ड बैंक. इसका करेक्ट आंसर आएगा बी. ज़्यादातर इसका एनवायरनमेंट प्रोग्राम ही करके आते हैं बच्चे क्वेश्चन में आंसर. नेव इज द नेम ऑफ ए सुपर एप्लीकेशन ऑफ विच इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट? ये जो नेव है
ये क्या है? अभी इसकी काफ़ी चर्चा हो रखी है क्योंकि जो टाटा ग्रुप है, टाटा एक बड़ा जाइंट है, बड़ा ग्रुप है टाटा, सभी जानते हैं। नमक से लेकर अब तो एयर इंडिया तक टाटा का ही हो गया। ये एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू है, जो टाटा की जितनी भी सर्विसेज हैं, जो वेरियस डिजिटल सर्विसेज है टाटा ग्रुप की, उनका है जो एक साथ लाया गया है। ये ऐप है इनका, सुपर ऐप टाटा न्यू, इसको ध्यान में रखिएगा, टाटा ग्रुप, इसका नाम है टाटा न्यू। टाटा की जितनी भी सर्विसेज हैं किसी भी फील्ड में हो, इस ऐप पे अवेलेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स हैज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज होप स्पॉट्स? देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, हॉट स्पॉट नहीं है, ये होप स्पॉट है, बाय द IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। होप स्पॉट है इसको, एक और नाम दिया गया है, एक और नाम से जानते हैं इसको, जो होप स्पॉट है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है, मिशन ब्लू, मिशन ब्लू, ये भी ध्यान में रखिएगा, इसी से जुड़ा हुआ है। इसमें जो होप स्पॉट है, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड, ये डेजिग्नेटेड हैं IUCN में एज ए होप स्पॉट। IUCN में होप स्पॉट ये डेजिग्नेटेड है, ए इसका करेक्ट आंसर है। गोल्डन रिवॉल्यूशन इन इंडिया रेफर्स टू ग्रोथ ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन, एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, ये रिवॉल्यूशन का, व्हाइट रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, गोल्ड रिवॉल्यूशन। सो गोल्ड रिवॉल्यूशन, इट इज एसोसिएटेड विथ हॉर्टिकल्चर, द गवर्नमेंट्स एफर्ट टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ विच, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट, हनी एंड ऑल्सो द हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, एंड दैट इज रेफर टू गोल्डन रिवॉल्यूशन। और येलो रिवॉल्यूशन की बात कर रहे थे हम अभी, जो ऑयल सीड प्रोडक्शन है ये येलो रिवॉल्यूशन में आता है, गोल्ड रिवॉल्यूशन हॉर्टिकल्चर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज सिंगलीला नेशनल पार्क लोकेटेड? ये पार्क कहाँ पे है? इट इज लोकेटेड एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 7,000 feet, ये नेशनल पार्क है, अबव सी लेवल। और ये कहाँ पे है? इट इज इन द दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग में है, वेस्ट बंगाल में। जो चीज चर्चा में है उसी से रिलेटेड करवाया जाएगा क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग मैचेज, मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सभी को पता होगा 1916। सोहन सिंह बाकना गदर मूवमेंट, इट इज 1913, इट वाज इन 1913। चिदंबरम पिल्लई स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी, इट वाज इन 1906। राजगोपालाचारी साल्ट सत्याग्रह, वेदरायन साल्ट सत्याग्रह 1930। और इसमें ये सारे ही करेक्ट हैं। देखिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नोट्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे, तो ये टेस्ट समझने में और आने वाले टाइम में जो मॉक टेस्ट करवाएंगे वो भी आपको इजीली समझने में आसानी रहेगी, और आपका ना सिर्फ नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो जाएगा। तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। द 102nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट समटाइम्स सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, देखिए जो ये 102nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इट इज ऑफिशियली नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2018। और ये किससे रिलेटेड है, इट ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज। बी इसका करेक्ट आंसर है। आप में से कई लोगों की कंप्लेंट रहती है कि ज़्यादा डिटेल में बताने पे वीडियो लंबा हो जाता है, क्या करें, कम डिटेल में समझ में भी नहीं आता है सभी के, और उसको मतलब भी नहीं निकलता है क्वेश्चन आंसर बताने का जब तक समझ में नहीं आया। पॉपुलेशन डिवाइडेंड रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, पॉपुलेशन डिवाइडेंड इट इज ऑल्सो नोन एज द डेमोग्राफिक डिवाइडेंड विच रेफर्स टू द पीरियड ऑफ, ये क्या होता है, डेमोग्राफिक डिवाइडेंड है ये, इसमें जो 20 से और 30 साल की जिनकी एज है उस ग्रुप का स्ट्रक्चर है ये, एंड दिस इज इंडिकेट दैट मोर पीपल हैव द पोटेंशियल टू बी प्रोडक्टिव एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी बिटवीन 20 to 30 ईयर। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा, और ये ध्यान रखिएगा ये टर्म चर्चा में है, पॉपुलेशन डिवाइडेंड यूथफुल एज स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉपुलेशन। अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूथ की ही है, चाइना को क्रॉस करने वाले हैं थोड़े ही टाइम में अगर कुछ नहीं किया तो। द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ UGC, सभी ने सुना होगा आपने जो UGC है, इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन। ज्ञान दर्शन लॉन्च बाय इग्नू रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ज्ञान दर्शन ये लॉन्च किया है इग्नू ने, ये किसके लिए लॉन्च किया है ज्ञान दर्शन, ये ज्ञान दर्शन लॉन्च किया था इग्नू ने फॉर सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशनल टीवी चैनल। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है ये कौन रिलीज करता है, ये RBI रिलीज करता है, और ये इसमें इम्पोर्टेंट टर्म जो आपको ध्यान में रखना है, इट इज बाय एनुअल है ये जरूर ध्यान रखिएगा। क्षमता न्याय केंद्र सीन इन न्यूज इज एस्टेब्लिश्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ, ये किसके लिए है ये क्षमता न्याय केंद्र, ये जो समता न्याय केंद्र है दीज आर फॉर ट्रांसजेंडर्स, इनका ऑब्जेक्टिव यही है टू प्रोवाइड काउंसलिंग एंड हेल्प टू ट्रांसजेंडर्स। ये आज का टेस्ट था, टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।